हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मेंबर्स। आज हमने अडानी पोर्ट्स को ट्रेड किया था। टोटल क्वांटिटीज़ जो हमारी इसके अंदर थी 952 क्वांटिटीज़ के साथ अडानी पोर्ट्स को ट्रेड किया था। बाइंग करने के लेवल मिले थे 723.90 के, स्टॉप लॉस जो लगाए थे 721.80 के एंड टारगेट्स बुक किए थे 736 पर। सभी टारगेट्स बुक कर लेते, इसको बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो परफेक्ट, काफ़ी अच्छा और एक डिसेंट प्रॉफिट हमको अडानी पोर्ट्स ने आज के दिन दिया। काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस थी वॉल्यूम्स की, प्राइजेस की। ओवरऑल जो हमको इसके अंदर आज के दिन प्रॉफिट हुआ है 11,000 प्लस का प्रॉफिट हमें आज के दिन अडानी पोर्ट्स ने दिया। सो जो काफ़ी डिसेंट और मेरे लिए एक सफिशिएंट प्रॉफिट है, मेरी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट हमें आज के दिन अडानी पोर्ट्स ने दिया। सो आप वन बाय वन हम इसके एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की तरफ। प्राइस रीडिंग से हट करके कुछ एक कॉन्सेप्ट हमें आपको समझाने हैं। आई थिंक आपको वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग सेटअप को और भी ज़्यादा मजबूत करने में। ओके, सो वन बाय वन हम चार्ट्स को हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम्स पर रीड करने के बाद अपने उस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चार्ट्स पर चलते हैं। सो अडानी पोर्ट्स का ये चार्ट है, इसमें एक एक कैंडल्स को अभी हम लोग रीड करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड वेलकम टू द चैनल। चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत क्लियर कट और काफ़ी कन्फर्मेशंस के साथ अडानी पोर्ट्स को हमने आज के दिन ट्रेड किया था विद हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस। लास्ट वीक हमने जितने भी ट्रेड किए, कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से हम उन ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। बट हम जिस भी ट्रेड के अंदर हम एंट्री ले रहे थे, जिसको भी हम ट्रेड कर रहे थे, अपने ग्रुप में, अपने प्राइवेट ग्रुप में और पब्लिक ग्रुप में भी हम उसको मॉर्निंग में ही शेयर कर देते थे और शाम को ट्रेड ख़त्म होते जितने भी ट्रेड थे हमारे वो सब हम शेयर कर दे रहे थे। तो जितना हो पा रहा था अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर रहे थे जब हम ट्रेड कर रहे थे और जब हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। ओके, सो अगर आप चाहो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक के लेवल्स, निफ्टी के लेवल्स, काफ़ी कुछ आपको सपोर्ट उस ग्रुप में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है उसका। आपको मॉर्निंग में उसमें बहुत सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अडानी पोर्ट को किस तरह से हमने हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशंस हैं कैंडलस्टिक्स की, उनको आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हायर टाइम फ्रेम पर अडानी पोर्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक फॉर्मेशन हम आपको बताएं, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट लेवल्स। अब एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका अक्सर और जितने भी ज़्यादातर जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इन्फॉर्मेशंस को बताने में, इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। सो इन शॉर्ट जितना भी होगा यहाँ पर कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कम समय में ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसको समझ पाओ, ग्रैप कर पाओ। ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट पर सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करने का, कि एक पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट है। बट ये हमें कैसे कंफर्म होगा या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा 668, अब मान लीजिए ये 668 है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, हायर टाइम फ्रेम का भी है। तो जब इस सपोर्ट पर हमें काम करना है तो हम किस तरह से इसको एज अ सपोर्ट हम कन्फर्म मानेंगे कि हम इसके आगे अपना डिसीजन ले सकते हैं। एज अ सपोर्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जब प्राइस हमारा हाई पर होगा यानी कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर होगा, तो हम क्या देख करके कंफर्मेशन लेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए आज के दिन कि स्पेसिफिक आज के दिन ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस मेरे लिए वर्क कर सकता है। तो हम इस एक पॉइंट से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर इस एक पॉइंट से अपने प्राइजेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, बिकॉज अडानी पोर्ट्स में कुछ इसी मेथड के अकॉर्डिंग हमने आज अडानी पोर्ट्स को ट्रेड किया था। सो सपोर्ट पर सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करना बहुत कंपलसरी है, आना ही चाहिए आपको, या फिर रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है, आना ही चाहिए। अक्सर आप लोगों का सवाल रहता है कि सर स्टॉक सिलेक्शन पर वीडियो डालिए। ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है स्टॉक सिलेक्शन का, वॉल स्ट्रीट में आप जाओगे वहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के एक बहुत अच्छा वीडियो हमने बना रखा है, अपलोड कर रखा है। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, कोई डाउट होता है ना आप हमको कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। ओके, स्कैनर है वहाँ पर, आप उस स्कैनर के थ्रू स्टॉक निकालो और जो मेथड हमने बताया वहाँ पर ट्रेड करने के लिए आप उसको जाओ प्रैक्टिस करो। एक फर्स्ट स्टेप जो होता है ना प्राइस एक्शन में, कि फर्स्ट स्टेप अगर हमको लेना है तो आपको उन वीडियोज़ में, जितने भी वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उनमें आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप जाइए देखिए, उसको देखने के बाद कोई भी एक सिस्टम पकड़ करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट स्टेप में प्राइस एक्शन में हम शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं, बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी, वहाँ से हेल्प मिलेगी।
ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपका कोई एक सपोर्ट पॉइंट है, क्या पढ़ लीजिए, एक ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, ओके। अब प्राइस हमारा मूव किस तरह से होता है, अगर प्राइस को अप साइड की तरफ जाना है तो ऊपर, ये आपका डाउन साइड, फिर से ये हायर हाई देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो। शायद अब आप लोग इसे सुनने में, इसके नाम से शायद अब इरीटेट हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी बार इसका यूज़ किया जाता है। बट क्या है कि यही बेसिक है, ये आना ही चाहिए। अगर आप इसे इरीटेट हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम करना बंद कर देगी, मार्केट ही इसी से चलती है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, या फिर लोअर लो लोअर हाई, है ना। अब ये एक पर्टिकुलर आपका लेवल है, मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो अपने हाईस को ब्रेक करते हुए जाती है और सपोर्ट्स यानी कि अपने लोस को, स्विंग लोस को प्रोटेक्ट करते हुए वो अपसाइड की तरफ जाती है। अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ आना है तो वो किस तरह से आएगी कि जो भी उसके अपने लोस होंगे उन लोस को वो प्रोटेक्ट करते हुए डाउन साइड की तरफ आती है, जैसे कि लोस लोअर हाई, लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लोस। तो ये जो स्विंग्स लगे हुए हैं मार्केट, इसको ब्रेक करके ये अपने हाइस को प्रोटेक्ट करते हुए डाउन साइड की तरफ आती है। बहुत माइन्यूट लैंग्वेज पर इसको, या फिर छोटे स्तर पर, लोअर टाइम फ्रेम्स पर या हायर टाइम फ्रेम पर भी आप देख रहे हो तो बहुत बारीकी से आपको ये काम करना होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है प्राइस एक्शन में लोअर लोस एंड लोअर हाइस को अगर आप रीड कर पा रहे हो। अगर आप लोअर लो लोअर हाइस को रीड करने में सक्षम हो तो बहुत हद तक आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा काम करने के लिए बचता नहीं आपके पास, बट इसको रीड करना होगा। अगर प्राइस एक्शन को समझना है, चार्ट्स की लैंग्वेज को अगर समझना है, तो लोअर लो लोअर हाइस का सहारा आपको लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितना ज़्यादा समय आप मार्केट को दोगे ना, उतना ही मार्केट आपको देगी। ये लोज हैं, अब क्या करती है मार्केट, अपने लोस को ब्रेक कर रही है, हाईस को प्रोटेक्ट कर रही है। अडानी पोर्ट्स में आज के दिन क्या हुआ, हम अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल लेंगे। अब जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट अपने सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी अगर उसको अप साइड की तरफ जाना है, अगर डाउन साइड की तरफ आना है तो वो अपने रेजिस्टेंसेस को प्रोटेक्ट करेगी। अब एक लेवल था अडानी पोर्ट्स के अंदर ये डाउन, और एक लेवल था ये अप साइड वाला। अपसाइड का ये जो लेवल था, आज अडानी पोर्ट अपने डाउन साइड की तरफ, मतलब जो अपसाइड वाला जो लेवल था, अडानी पोर्ट्स ने अपने उस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। सिर्फ अडानी पोर्ट ही नहीं, कोई भी चार्ट आप स्पेसिफिक इस मेथड से सपोर्ट पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करना या फिर रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, तो आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बड़ा रिस्क मत लेना, छोटी छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करना। जब किसी भी सिस्टम के ऊपर जब तक आपको बिलीव ना हो जाए पूरी तरह से, या फिर प्रैक्टिस ना हो जाए, तो उसके ऊपर कभी भी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा बड़े लॉस से बचे रहोगे। जो मन में लालच आता है ना, जब ये लालच आपके ऊपर हावी होने लगता है, ये समझ लीजिए कि उस दिन से आपका अकाउंट कमज़ोर पड़ने लगेगा, कम होने लगेगा वो। तो कोई भी चार्ट या फिर किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल फोकस में रख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ फाइनेंशियल मार्केट। आपके पास पैसा है तो मार्केट आपकी है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो मार्केट आपकी नहीं है। तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा कब होगा, जब आपके पास वो पैसा बचा रहेगा, ये आप ही के ऊपर। अगर पैसा बचाना चाहते हो तो मनी मैनेजमेंट का आपको हेल्प लेनी ही होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, हाई लगा, अडानी पोर्ट ने क्या किया कि अपना ये वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट सीधे सपोर्ट पर आ गई, कुछ लोअर लोस फॉर्म करते हुए मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर आ गए। ओके, अभी सपोर्ट पर आते ही अडानी पोर्ट्स ने क्या किया था कि जो अपने लोस थे, अपने लोस प्रोटेक्ट करने शुरू कर दिए अडानी पोर्ट्स ने। अब हमको मालूम है, सिर्फ अडानी पोर्ट ही ने कोई भी स्टॉक, अगर वो अपने सपोर्ट पर आ करके अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए हाईस को ब्रेक करने लगता है, बहुत हद तक चांस होता है कि वो स्टॉक अप साइड की जर्नी आपको दिखा सकता है, यदि आपका BMI या फिर उस स्टॉक का सेक्टर उसके साथ में है तो। अब सपोर्ट पर आ करके यहाँ पर लोस प्रोटेक्ट कर लेना
और उसके बाद से प्राइस का अपनी अपर रेंज में एंटर कर लेना, यानी अपसाइड की रेंज में। प्राइस जिस रेंज से ट्रेवल करके डाउन साइड की तरफ आया है, वापस मार्केट हमारे लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी उसी रेंज के अंदर एंटर कर ले। और कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन अगर हमारे पास हो तो हम बहुत हद तक सक्सेस हो सकते हैं इसके अंदर। प्राइस अपसाइड की तरफ जाते जाते यहाँ पर हमको बहुत सारे कन्फर्मेशन वॉल्यूम से मिले, जिसके आधार पर अडानी पोर्ट को हमने ट्रेड किया। अब इस मेथड का यूज़ अब बाकी के किसी और स्क्रिप्ट को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसमें आप किस तरह से मदद ले सकते हो, सपोर्ट पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करके। सपोर्ट है, सपोर्ट पर आपको सपोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लेना। अब देखिए कि प्राइस अपने बेस पर आया और बेस पर आ जाने के बाद अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए जब प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकले तो सिंपली आपको यहां से लोस हाइज, हायर लो हायर हाइज, इनको ड्रॉ करते हुए चलना है। और जब आपको लगे कि प्राइस में एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट होने लगे हैं या फिर मार्केट अपने स्विंग हाइज के ऊपर सस्टेन करने लगी है, आप यहां पर डिसीजन ले सकते हो। मार्केट आपको अपसाइड की मूव्स दिखा सकती है। अडानी पोर्ट में अगर हम देखें तो अडानी पोर्ट में आज के दिन क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट लेवल था और ये एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट सीधे डाउन साइड की तरफ आपकी आई है और डाउन साइड की तरफ आ जाने के बाद अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ये इसकी एक बेस लाइन है। अपने बेस पर आ जाने के बाद स्टॉक के अंदर अब अगर मूव हो सकता है तो यहीं से अपसाइड के मूव स्टार्ट हो सकते हैं। जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था हम वहां तक के अपने टारगेट्स लगा सकते हैं, या फिर अपसाइड में कोई भी अगर आपके पास गैप अप या गैप डाउन का एरिया है तो हमेशा से प्रीवियस कई वीडियोस में हमने आपको बता रखा है कि गैप अप और गैप डाउन एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। गैप अप और गैप डाउन के ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ बना करके हम शेयर करेंगे, उसको देखिएगा। होता है क्या इसमें कि मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पर क्लोज हुई थी और आज यहाँ पर ओपन हो गई, तो ये वाला जो एरिया आपका बनेगा ना, ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। इसकी मदद हम कैसे ले सकते हैं कि मान लीजिए प्राइस अप साइड से गिर के डाउन साइड की तरफ आया था और यहाँ पर कोई गैप अप या फिर गैप डाउन के लेवल्स हैं, तो वहाँ तक प्राइस आपका मूव कर जाने की कैपेसिटी रखता है अगर मार्केट हमारे स्क्रिप्ट के साथ अलाइन है या फिर हमारी स्क्रिप्ट के साथ ही चल रही है, तो बहुत हद तक आपको आपके टारगेट्स मिल सकते हैं। प्राइस आपका सीधे डाउन साइड की तरफ फॉल हो गया। फॉल हो जाने के बाद आपकी बेस लाइन ये है, सपोर्ट लाइन ये है। सपोर्ट्स के बाद में आपको देखना है सिंपली कि यहाँ पर आपके लोस प्रोटेक्ट हो रहे हों, और अगर लोस प्रोटेक्शन के बाद में आपको आपके स्विंग हाइज के ऊपर प्राइस सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो और अपसाइड के अपने टारगेट्स लगा सकते हो। जिस रेंज से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ गिरना शुरू किया था अपनी उसी रेंज के पास में आपको मार्केट दिख सकती है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा काफ़ी कुछ आपको। कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। अब हायर टाइम फ्रेम पर आप देखिए अडानी पोर्ट्स में ये वाली देखिए जो रेंज है, आज का चार्ट मान लेते हैं हम कि बना ही नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए एक ये रेंज है, ये अपना एक सपोर्ट पॉइंट है। कोई भी आप में से नॉर्मल मतलब नेकेड आइज से आप देखोगे, हमने किसी वॉल्यूम का यहाँ पर यूज़ नहीं किया, अभी हम किसी भी वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेकेड आइज से आप देखोगे ना, ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये आपको सपोर्ट लेती हुई मार्केट यहाँ पर दिखेगी। प्राइस यहीं से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये सबसे फर्स्ट रिजेक्शन था जब प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया था। अगेन मार्केट यहाँ पर आई है 27 के आसपास में और यहीं से रिजेक्ट होकर के अपसाइड की तरफ चली गई और फिर से मार्केट रिजेक्ट होकर के अपसाइड की तरफ, यानी कि ये रेंज हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। एज अ सपोर्ट 733.80 का लेवल मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अडानी पोर्ट्स के अंदर। अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाती है, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी तो वो गिर जाएगी, और फिर नीचे के सपोर्ट्स लेवल क्या हो सकते हैं, ये वाला कैंडल्स का ग्रुप जो है हमारा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। अब मार्केट देखिए क्या की है अडानी पोर्ट्स ने, क्या किया है कि एक सपोर्ट से गिर करके मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आई है। ओके, और यहाँ पर आ जाने के बाद सेम रिजेक्शन,
जैसा कि यहाँ पर क्लोजिंग दे देने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई, तो ये वाला जो पॉइंट है सेम चीज़ अभी हमने आपको बताई, जो लोअर हायर लोज जो हैं, ये वाले पॉइंट हायर लोज, तो ये सिंपल सी चीज़ है कि जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना वो हायर हाई या फिर हायर लोज के टर्निंग पॉइंट्स ही होते हैं, यही वाले पॉइंट्स। सिंपल सी चीज़ एक बार फिर से देखिए आप लोग, हम बार बार सिंपल सिंपल बोलते हैं ताकि ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा टफ आपको लगे ना, ये तब तक ही आपको परेशान करेगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। एक बार अगर समझ में आ गया ना तो ये इजी है, बहुत इजी होता है। ये आपका लो फॉर्म हुआ ना, लो के बाद में ये एक हाई, एक लो और फिर से ये हाई, लो और ये हाई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे लिए कौन से बन रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट। मार्केट जो हमको आज मिली है, अडानी पोर्ट्स का जो प्राइस मिला है, ये हमको मिला है हमारे लोअर हायर लो के पास में, सेम इस वाले पॉइंट पर। अब चलते हैं, अब देखिए मार्केट एक लोअर हाइस पर मिली हमको, हायर लोस पर मिली, अब यहीं से ये अप साइड की तरफ निकल गई थी। आज भी मार्केट हमको हमारे उसी सपोर्ट लेवल पर मिल गई। अब अगर यहाँ से मार्केट में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही चला जाएगा, इसको नीचे भी, ये नीचे भी गिर सकता था। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमको कि सपोर्ट पर हम क्या देख करके बाई करें कि कुछ कुछ हमको ये अंदाज़ा लग जाए कि प्राइस हमारा अप साइड की तरफ निकल सकता है। लोस प्रोटेक्शन हमको देखने होंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आकर के। मार्केट ने अपना एक सपोर्ट ब्रेक किया, सेकेंड सपोर्ट पर आ गए जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था। अब यहाँ पर आप लोअर टाइम फ्रेम, आप जिसका आप यूज़ करते हो, आप यहाँ पर आओ। 5 मिनट्स के बजाय यहाँ पर हमने यूज़ किया था 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का भी हम यूज़ कर लेते हैं, बट हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। कोशिश करिए बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स भी, तो बहुत हेल्प करेगा वो आपकी। देखिए एक ये अपना लो है, ये हाई है, ये वाला लो पॉइंट, ओके। हायर टाइम फ्रेम पर भी हमें मार्क करके देख लिया कि ये वाला जो रेंज है हमारी, ये एक बेस लाइन है, ओके। अभी बेस लाइन है तो मार्केट को अगर डाउन साइड की तरफ जाना है तो हमारी इसी रेंज को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ मार्केट निकल सकती है। बट अडानी पोर्ट्स ने देखिए किया क्या है, ये हाई लगा, अगेन यहाँ पर देखिए एक ये लो लगा और ये लास्ट लो था। ये वाला लो लगा देने के बाद मार्केट ने अपने लोज को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और अंदर की साइड में आकर के क्लोजिंग दे दी। तो एक चीज़ समझ में आई कि प्राइस ने यहाँ पर अपने लोज को प्रोटेक्ट किया। अब हम वॉल्यूम्स के यूजेस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स के माध्यम से हमें क्या कन्फर्मेशन मिल सकती है कि प्राइस अप साइड की तरफ तो देखिए जा रहा है बट वॉल्यूम्स कमज़ोर हैं, डाउन साइड की तरफ तो आ रहा है बट वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ये सपोर्ट कंफर्म हो रहा है हमको। अभी सपोर्ट कंफर्म हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना है तो अपनी इन्हीं वॉल्यूम्स को और भी प्राइस इंक्रीज करेगा और डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। बट हुआ क्या है कि इन्हीं सपोर्ट्स ले लेने के बाद मार्केट ने सपोर्ट्स लिए और सपोर्ट्स के बाद प्राइस वापस से हमारी इस वाली रेंज के अंदर ट्रेवल करने लगा। अभी आप इसको और भी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको नजर आएंगे। बट यहाँ पर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट नहीं, चलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर लगा लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप 3 मिनट्स या फिर 3 मिनट भी नहीं, 5 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम पर ही काम कीजिए, 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कोई काम मत कीजिए यहाँ पर, ओके। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या क्या है कि प्राइस जो हमने बोला ना आपसे कि यहाँ से प्राइस देखिए आपका क्या सस्टेन हो रहा है, तो हमको यहाँ पर पूरी तरह से हायर हाई हायर लोज लगते हुए नज़र आ रहे थे। ये बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गई। तो यहाँ स्पेसिफिक इस वाली जगह में जो प्राइस के मूवमेंट्स हुए हैं, इनकी कन्फर्मेशन लेने के बाद हमने अडानी पोर्ट्स को आज के दिन ट्रेड किया था। प्राइस हमारा सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर सपोर्ट्स के कन्फर्मेशंस हैं और कन्फर्मेशन ले लेने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉसेस को, स्टॉप लॉसेस के लिए एक स्पेसिफिक जगह देखी, वॉल्यूम्स की कन्फर्मेशंस ली और छोटी सी एंट्री मैनेजमेंट के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने रखी और यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। टारगेट्स के लिए स्पेसिफिक जगह हमने आपको बताई थी कि देखिए यहाँ पर ये एक गैप डाउन की जगह है, 915 या फिर 325 आप लोगों को हमने एक बार नहीं काफ़ी बार बताया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी यहाँ पर अपने टारगेट्स लगा सकते हो।
आप 325 का लो ले सकते थे, आप 915 का हाई ले सकते थे, कहीं पर भी आप अपने टारगेट्स लगा सकते थे। इसके साथ हमने जो अपने टारगेट्स की जगह रखी वो इन गैप्स को रखा। अभी गैप्स को रख लेने से क्या है कि ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो गैप होते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट आपकी बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हुए आपको नज़र आ जाएगी, दिख जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कुछ कैंडल फॉर्मेशंस के बारे में हमने सोचा था कि हम आपको बताएंगे, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो कैंडल फॉर्मेशंस का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि कल हम आप लोगों के लिए मॉर्निंग में वो वीडियो अपलोड करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप उसको देखते हो, प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी उससे। ओके, आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और आज का जो अपना प्रॉफिट था काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट है 11,590 रुपीज़ का। सो ओके, सो 11,590 रुपीज़ का प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट है। ओके, सो अडानी पोर्ट आज काफ़ी अच्छा ट्रेड था हमारा, सक्सेसफुल ट्रेड रहा। सो थैंक यू, और अब हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड एंड वी विल मीट अगेन। गुड बाय।